हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। एग्जाम बच्चों सीयूईटी का आखिरी दौर में है, जैसा कि आज 22 तारीख हो गई, कल 23 तारीख है। अकॉर्डिंग टू द स्केड्यूल 23 तारीख तक का एग्जाम डेट रखा गया है, तो ऑलमोस्ट सारे बच्चों का एग्जाम करा लिया गया है इन सारे फेजेस में। लेकिन इसके बावजूद भी काफ़ी बच्चे अभी भी छूट गए हैं जिनका एग्जाम नहीं हुआ। कुछ के जेन्यून रीजन हैं, कुछ को बाद में पता चला, जैसे काफी बच्चों ने देखा कि उनको एडमिट कार्ड नहीं जारी किए जा रहे थे, सिटी इंटीमेशन स्लिप भी नहीं आई थी, लेकिन बाद में उन्होंने देखा कि ऑलरेडी उनका बैक डेट का एडमिट कार्ड आया हुआ है, यानी पहले ही डेट जारी हो चुकी है और अब समय निकल चुका है। तो कुछ के साथ तो जेन्यून था, कुछ के साथ भी जैसा कि एनटीए ने साफ साफ पल्ला झाड़ लिया था कि भैया हमारी कोई गलती नहीं है, जो बच्चे ऐसा इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मेरा बाद में आया है या उनका एग्ज़ाम नहीं हो पाया है, एडमिट कार्ड नहीं जारी किया गया, तो उसके पीछे के भी कई सारे रीज़न पाए गए हैं, वेरीफाइड करके उन्होंने पता लगाया कि फॉल्स इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। लेकिन उस समय भी देखने में आया कि लगा कि शायद एनटीए पल्ला झाड़ रहा पूरी तरीके से, लेकिन हमारे सामने भी कुछ ऐसे केसेस आए। मतलब कई सारे बच्चों ने फोन मैसेजेस किए कि सर ऐसी सी बात है, हमारा एडमिट कार्ड नहीं आ रहा है। तो बाद में हम लोगों ने भी एप्लीकेशन नंबर वगैरह डाल के देखा कि उनके 10 सब्जेक्ट से भी ज़्यादा थे, तो इस केस में कहाँ आएगा, जो कि एनटीए ने साफ साफ बोला है मैक्सिमम 10 होने चाहिए इंक्लूडिंग। ये भी आपको कॉमन सेंस से समझना चाहिए कि उसमें आपका जनरल टेस्ट भी इंक्लूड है, वो आप 10 सब्जेक्ट डोमेन का ही समझ लेंगे, बाकी एक लैंग्वेज हो गया, एक जीटी हो गया, तो टोटल 12 हो गया, तो फिर कहाँ से आपको एडमिट कार्ड आएगा। तो ऐसे भी कुछ केसेस आए हैं, तो यहाँ पे एनडीए की गलती नहीं है, गलती आपकी है। तो इस तरीके के कुछ केसेस हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन जिसका जेन्यून रीजन है, क्या उनका एग्जाम कराया जाएगा, अभी भी बहुत लोग फिल्टर होके आएंगे। 23 के बाद भी बहुत सारे बच्चों का ऐसे होगा जिनका एग्जाम नहीं हो पाया है, तो पूरी पॉसिबिलिटी मुझे नज़र आ रही है बहुत सारे बच्चे नहीं शामिल हुए होंगे 23 तक के एग्ज़ाम में भी, तो उनके लिए भी 2-3 दिन बफर डेट के रूप में या एक्सटेंड किया जा सकता है एग्ज़ाम। क्यों, ये पॉसिबिलिटी पूरी दिखाई दे रही, क्योंकि पीजी के लिए आप देखे होंगे अभी आज जारी किया गया है नोटिफिकेशन कि जो बच्चे जिनका एग्ज़ाम छूट गया था, नहीं हो पाया था, उनका री एग्ज़ाम हो रहा है, रिस्केड्यूल किया जा रहा है। तो यूजी के लिए भी ऑब्वियस ही बात है, 5 से 17 के बीच में चला, देखिए आपकी किस तक नोटिस आ गई, ठीक है। अब 23 तक आपका चल रहा है यूजी वालों का, तो ये भी आजकल में या परसों या उसके बाद आपकी नोटिस वगैरह आ सकती है कि 25-28 के बीच में कराया जाएगा, 2-3 दिन में बचे हुए बच्चों का एग्जाम कराया जा सकता है। तो इसमें निराश बिल्कुल भी नहीं होना है, उम्मीद बिल्कुल नहीं खोना है, बस थोड़ा ऊपर वाले से भी आप उम्मीद रखिए, और संभावना भी ऐसी है बहुत सारे फिल्टर होके बच्चे इनके ही खाते में आएंगे, ठीक है। एनटीए ही खुद फिल्टर करेगा कि जिनका नहीं हो पाया, बहुत सारे बच्चों का छूटा एग्जाम, तो आपकी पूरी संभावना है एग्जाम होने की। तो बस नोटिफिकेशन का इंतजार कीजिए, जरूर होगा आपका भी एग्जाम जिनका नहीं हो पाया, ठीक है। बाकी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए, पल पल की अपडेट आपको देते रहेंगे। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके रखिए ताकि जल्दी से जल्दी आपको खबर मिल जाया करे क्या होने वाला है क्या नहीं। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू, गुड लक।